हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू नीना एजुकेशन। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं मुंडा मान की शासन व्यवस्था। ये झारखंड के इतिहास का काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो जेपीएससी पीटी के अकॉर्डिंग मैंने लिया हुआ है, जो आगामी अप्रैल में जिसकी तिथि दी गई है, संभावित तिथि दी गई है। तो जितने भी मेरे मित्र हैं जो जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर झारखंड में आयोजित होने वाले किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। तो चलिए देखते हैं झारखंड के इतिहास से संबंधित ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक। इसके पहले भी विभिन्न प्रकार की शासन व्यवस्थाओं के बारे में बताया है मैंने, आप लोग उसे भी एक बार देख लें। आज हम लोग देखेंगे मुंडा मान की शासन व्यवस्था। देखिए, ये हू जनजाति की पारंपरिक शासन व्यवस्था है। तो मुंडा मान की शासन व्यवस्था हू जनजाति से रिलेटेड है, हू जनजाति की पारंपरिक शासन व्यवस्था है। यह भारत की प्रथम गणतांत्रिक शासन व्यवस्था भी कही जाती है। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। हो जनजाति की जो शासन व्यवस्था रही, मुंडा मान की शासन व्यवस्था, इसे प्रथम गणतांत्रिक शासन व्यवस्था को कहा जाता है। ये भारत की प्रथम गणतांत्रिक शासन व्यवस्था भी कही जाती है और ये प्रश्न के रूप में कई बार पूछा भी गया है। इस व्यवस्था को एक अंग्रेज अधिकारी थॉमस विल्किंसन द्वारा मंजूरी दी गई थी। ये जो व्यवस्था चली आ रही थी हो जनजाति की, तो ये इतनी अच्छी व्यवस्था थी कि जब अंग्रेजों का यहाँ पर आगमन हुआ तो उसके एक अधिकारी थे, अंग्रेज अधिकारी थॉमस विल्किंसन, उन्होंने इस व्यवस्था को मंजूरी दी। हो जनजाति मुंडा समाज की एक उपशाखा है। मुंडा समाज के बारे में मैंने आप लोगों को मुंडा जनजाति की शासन व्यवस्था के बारे में बताया था। तो ये मुंडा समाज की एक उपशाखा है, यानी मुंडा जो जनजाति है उसी की एक उपशाखा है हो जनजाति। तो इस कारण से मुंडा समाज के जो भी ट्रेडिशन है या जो शासन व्यवस्था है, उससे काफ़ी मिलती जुलती शासन व्यवस्था इसकी देखी गई है। ग्राम पंचायत के जो प्रमुख होते हैं उन्हें मुंडा कहा जाता है। तो हो जनजाति में भी जो ग्राम पंचायत के प्रमुख होते हैं उन्हें मुंडा कहा जाता है, और मुंडा जनजाति में भी मुंडा ही कहा जाता है। कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर एक पट्टी बनती है। अब हो जनजाति के जो अलग अलग गांव होते हैं तो उन्हें मिलाकर एक पट्टी बनती है। मुंडा जनजाति में भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, ये व्यवस्था उसमें भी थी। और जो इसके प्रधान होते हैं, यानी कई गांवों को जो मिलाकर पट्टी बनी, इस पट्टी का जो प्रधान होगा उसे मानकी कहा जाता है। तो मुंडा मानकी शासन व्यवस्था हम लोगों ने समझा कि सिंपल एक गांव का जो प्रधान होता है उसे मुंडा कहा जाता है, और जब कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर पट्टी बनती है और उसका जो प्रधान होता है उसे मानकी कहा जाता है। तो मुंडा और मानकी के बारे में हम लोगों ने समझा, अतः इस मुंडा मानकी शासन व्यवस्था कहते हैं। इसी वजह से इस व्यवस्था को मुंडा मानकी शासन व्यवस्था कहा जाता है। अब देखिए, इस व्यवस्था से संबंधित पद, संगठन या फिर जो महत्वपूर्ण फैक्ट है वो अब हम लोग देखते हैं, क्योंकि इन्हीं सब टर्म से प्रश्न पूछे जाते हैं। मुंडा, सबसे पहले मुंडा के बारे में जानें कि ये कौन सा पद है। तो ये गांव का प्रधान का पद होता है। मुंडा का जो पद होता है वो गांव के प्रधान होते हैं। जितने भी गांव में प्रशासनिक न्यायिक कार्य होंगे वो मुंडा ही उसकी देख रेख करेंगे, उनके संरक्षण में ही होंगे। और इसके साथ ही, प्रशासनिक और न्याय कार्य करने के साथ ही साथ, वो टैक्स भी एकत्रित करवाने का कार्य करते हैं गांव में। नेक्स्ट है डकुआ। ये मुंडा के सहयोगी होते हैं, यानी मुंडा का जो पद होता है उनके सहायता करने के लिए डाकुआ होते हैं। ये काफ़ी बार पूछा जाता है यहाँ से प्रश्न। मुंडा के जो निर्णय होते हैं या फिर उनके जो आदेश होते हैं उनसे गांव वालों को परिचित कराना, अवगत कराना, ये इनका काम होता है। तो गांव के लोगों तक विभिन्न निर्णय और आदेशों को पहुंचाना डाकुआ का काम होता है। अगला है मानकी। मानकी क्या होता है? तो ये 15 से 20 गांवों को मिलाकर
जो एक पट्टी बनती है उसका प्रधान मानकी होता है। ये अभी हम लोगों ने अभी अभी पढ़ा भी कि मानकी उसे कहते हैं जो 15 से 20 गांवों को मिलाकर जो पट्टी बनती है उसके प्रधान को। ये हो जनजाति से संबंधित है, हो जनजाति में भी 15-20 गांव को मिलाकर पट्टी बनती है, लेकिन उनके जो प्रधान होते हैं उसे मानकी कहा जाता है। नेक्स्ट है तहसीलदार। तहसीलदार का अर्थ होता है गांव का राजस्व अधिकारी, ये लगान वसूली करना इसका काम होता है। मुंडा की तरफ से नियुक्ति होती है इनकी, और विभिन्न प्रकार के करों की उगाही करना इनका काम होता है। दियोरी, ये धार्मिक प्रधान होते हैं, पूजा पाठ धार्मिक अनुष्ठान आदि करवाते हैं, और इसके साथ ही जो धार्मिक विवाद होते हैं किसी भी प्रकार के, उनके संबंध में दंड देना या फिर उस विवाद को सुलझाना भी इनका काम होता है। यात्रा दियोरी, ये भी एक पद है जो दियोरी की सहायता करते हैं, अर्थात जो धार्मिक प्रधान होते हैं उनकी सहायता के लिए होते हैं। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट था, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था आज की क्लास में हम लोगों ने समझा। नेक्स्ट क्लास में एक और शासन व्यवस्था के बारे में हम लोग पढ़ेंगे जो कि होगी ढोकलो शोहर शासन व्यवस्था, और इसके बाद फिर विभिन्न प्रकार के शासन व्यवस्थाओं के बारे में भी पढ़ेंगे। तो हम लोगों का खंड ए जो JPSC PT मेंस के सिलेबस में है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो एक काफ़ी अच्छा खासा कंटेंट आपके पास होगा, एक पूरा का पूरा टॉपिक मैंने कंप्लीट करा दिया। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और इसके साथ साथ आप लोग करंट अफेयर्स के भी प्रश्न उत्तर को देखें जो मेरे ही चैनल पे आप लोगों को मिल जाएंगे, जहाँ झारखंड के करंट अफेयर्स भी हैं और सामान्य करंट अफेयर्स भी हैं। तो उसे साथ साथ पढ़ते रहें, काफ़ी हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए। तो प्लेलिस्ट में जा कर के चेक कर लें आप लोग, और कमेंट करें कैसी लगती है क्लास, लाइक ज़रूर करें पसंद आती है तो। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।